अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी रमज़ान स्पेशल कचौड़ी भजिया। तो ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत टेस्टी और बहुत ही जल्दी और कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा बनने वाली रेसिपी है। आप ज़रूर देखना, वीडियो फुल वॉच करना, तो आप खुद ही समझ जाओगे किस तरीके से हम कम टाइम में ज़्यादा बना सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं लूँगी यहाँ पर हरी मटर। यहाँ पर मैंने एक प्याले के करीब हरी मटर को लिया है और इसे मैंने बॉईल कर लिया है और इसे मैं हल्का सा मैश कर लूँगी। बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना है बारीक, बस इतना कि एक में से दो टुकड़े या तीन से हो जाएं, बस उससे ज़्यादा नहीं। तो चलिए इस तरीके से हमें बस इतना हमें मैश कर लेना है अपने हाथों से। तो ये मेरा इतना हो चुका है, मैं इतना ही रखूँगी, हमें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना है। इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर आलू। यहाँ पे मैंने चार मीडियम साइज़ के आलू को बॉईल कर लिया है और मैंने इतने बड़े पीसेस में कट कर लिया है। आप खड़ा भी मैश कर सकते हो। तो चलिए इसे मैं मैश कर दूँगी और हमें एकदम बारीक मैश करना है। तो चलिए यहाँ पे हमारा आलू जो है वो मैश अच्छे से हो चुका है। तो चलिए हमारा आलू यहाँ पे हो गया है। अब मैं इसमें कुछ मसालों को ऐड करूँगी। तो यहाँ पे मैंने लिया है नमक, नमक आपको टेस्ट के अकॉर्डिंग लेना है। उसके बाद यहाँ मैंने लिया है कचौड़ी मसाला, ये मैंने घर पे बनाया है। तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच कचौड़ी मसाला लिया है। उसके बाद मैं लूँगी यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून के करीब, और 1/2 टीस्पून के करीब मैं लूँगी चिल्ली फ्लेक्स, और ये मैंने लिया है ज़ीरा और काला नमक थोड़ा सा, और 1 चम्मच मैंने हरी धनिया और हरी मिर्ची की चटनी ली है। इससे बहुत अच्छी, इसमें काला नमक से बहुत अच्छे इसमें टेस्ट आता है। तो चलिए अब मैं इसे सब मसालों को अच्छे से, इसमें सब चीज़ को मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और एक अच्छा सा मिक्सर रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पे हमारा मिक्सर जो है वो बहुत अच्छा रेडी हो चुका है। तो चलिए अब मैं एक डो तैयार करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याली मैदे का ली हूँ। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसमें अब डालूँगी कलौंजी, थोड़ा नमक, और यहाँ मैं 1/2 चम्मच के करीब मैं तेल लूँगी और इसे मैदे में अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पहले हमें अच्छे से इसमें मिक्स कर लेना है इस तरीके से, जैसे मैं कर रही हूँ। इस तरीके से हमें मैदे को और नमक को सब चीज़ अच्छे से मिला लेना है तेल को। उसके बाद मैं इसमें पानी डाल के, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट ना रहे हमारा डो, ना बहुत ज़्यादा टाइट रहे, मीडियम, जैसे हम रोटी का डो रेडी करते हैं आटे का, उस तरीके से हमें डो रेडी कर लेना है। तो ये देखिए हमारा डो है जो बहुत अच्छा रेडी होने लगा है। तो चलिए ये मेरा डो रेडी हो गया है और अब मैं इसे 10 मिनट के लिए ढक के सेट होने के लिए रख दूंगी। थोड़ी देर, 10 मिनट के लिए मैं इसे छोड़ दूंगी। उसके बाद हमें एक घोल रेडी करना है भजिया की कोटिंग करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने लिया है 1 चम्मच हग, उसके बाद मैंने लिया है नमक और चिली फ्लेक्स थोड़ा सा, और मैंने यहाँ लिया थोड़ा सा ऑरिगेनो। तो चलिए इसे मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। उसके बाद मैं इसका एक अच्छा सा घोल रेडी करूँगी, बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना रहे, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रहना चाहिए, मीडियम का घोल हमें रेडी करना है। तो चलिए मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और हमें घोल इस तरीके से रेडी करना है कि इसमें ज़रा सा भी लम्स ना रह जाए, और हमारा घोल बहुत अच्छा रेडी होएगा। थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करते जाए और मिक्स करते जाए। अच्छे से मिक्स करना है ताकि इसमें ज़रा सा भी लम्स ना रह जाए। ये देखिए हमारा घोल जो है वो बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। इतना हमें पतला रखना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं। तो ये देखिए हमारा घोल जो है वो बहुत अच्छा रेडी हो गया है। तो यहाँ पे मैंने अपने डो की एक रोटी बेल के बना ली है। आप देख सकते हो इतनी बड़ी हमें रोटी बना लेनी है, हमें बहुत ज़्यादा मोटी नहीं रखनी, बहुत ज़्यादा पतली नहीं रखनी है। तो
तो यहाँ पे मैंने जो मिक्सर रेडी किया था वो इस पे रख दूँगी और अच्छे से हमें पूरे रोटी पे अच्छे से फैला लेना है। तो ये देखिए इस तरीके से मैंने फैला लिया है। और यहाँ पे मैं लूँगी चीज़, चीज़ यहाँ पे ऑप्शन है, आप चाहो तो इसे स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं चीज़ को क्रश कर दूँगी, आप चीज़ चाहो तो कम या ज़्यादा कर सकते हो अपने हिसाब से, नहीं तो फिर उसे स्किप भी कर सकते हो। उसके बाद मैं इसका एक ठो रोल बनाऊंगी। तो चलिए इसका मैं एक रोल रेडी कर लेती हूँ। इस तरीके से हमें रोल जो है वो रेडी कर लेना है और इसके बाद मैं इसे पीसेस में कट कर लूँगी। आप देखते रहो किस तरीके से। तो चलिए यहाँ पे हमारा रोल जो है वो रेडी हो गया है, अब मैं इसे कट कर लूँगी। इतना साइज हमें रखना है। तो चलिए यहाँ पे मैंने काट लिया है सभी पीसेस को अच्छे से। और देखिए आप एक साथ हमारी कितनी भजिया रेडी हो गई है। तो चलिए इसे मैं अच्छे से गोल सा शेप दे दूँगी अपने हाथों से, प्रेस करके हल्के हाथ से, बहुत ज़्यादा हमें प्रेस नहीं करना है। तो चलिए इस तरीके से हमें जो है एक एक पीसेस को अच्छे से शेप दे देना है। तो आपने देखा कितने आसानी से हमारी जो है वो भजिया रेडी हो गई है और एक साथ हमने कई पीसेस को रेडी कर लिया है। तो चलिए यहाँ पे मैंने दूसरा रोल भी रेडी कर लिया है। तो ये देखिए हमारी कितनी ज़्यादा भजिया रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे छानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने घोल में अपनी भजिया को डाल के मैं डिप करके इसे इसमें ड्रॉप कर दूँगी। उसके बाद मैं इसे तेज़ आँच पे छान लूँगी ताकि हमारी भजिया जो है वो बहुत क्रिस्पी होए। और ये भजिया बहुत क्रिस्पी और बहुत टेस्टी होती है। आप इसे सॉस के साथ, चटनी से, किसी के साथ भी खा सकते हो। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना। और अगर मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।